पर्यावरण व्यवस्थापन। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में हम पर्यावरण व्यवस्थापन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि ये किस प्रकार किया जाता है। पर इससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हवा, जलवायु इत्यादि बातें वास्तव में क्या होती हैं। जलवायु हमारे प्रतिदिन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जलवायु हमारे रोजगार, खान पान, कपड़े, मकानों इत्यादि बातों को अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहते हैं, उनकी खान पान की आदतें, उनके पहनने ओढ़ने का तरीका, उनके घर, उनके कामकाज, इतना ही नहीं उनके जीवन जीने की पद्धतियों पर भी जलवायु का बहुत प्रभाव होता है। इस प्रकार जलवायु हमारे आसपास की अनेक बातों को प्रभावित करती है। समुद्र का खारापन, जलचक्र का निर्माण, पत्थरों का विघटन, जैविक प्रक्रियाओं में बैक्टीरिया द्वारा की जाने वाली अभिक्रियाएं, ये सारी बातें जलवायु से प्रभावित होती हैं। हवा और जलवायु में अंतर होता है। आज हवा ठंडी है, तापमान बढ़ गया है, ये सारे वर्णन एक दिन के हवा के बारे में है, पर हवा की एक लंबे समय तक की स्थिति को जलवायु कहते हैं। हवा विशिष्ट स्थान और विशिष्ट समय के बारे में बात करती है और जलवायु बड़े क्षेत्र के बारे में और लंबे समय के बारे में बात करता है। यही इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। हवा में कम अवधि में परिवर्तन आता है, पर जलवायु को बदलने के लिए काफी समय लगता है। जलवायु के घटक को जैसे तापमान, बादल, वर्षा, कोहरा, सूर्य प्रकाश, वातावरण का दाब इत्यादि सभी का हर रोज निरीक्षण किया जाता है और रोज उन्हें मापा भी जाता है। ऐसा बहुत सालों तक करने के उपरांत उसका जो औसत निकलता है वो उस क्षेत्र की जलवायु कहलाता है। वेधशाला। किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में पढ़ते समय हमें कुछ घटकों के बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में जानना जरूरी होता है। इन घटकों का जलवायु विभाग की ओर से निरीक्षण किया जाता है और जो विभाग ये निरीक्षण करता है उसे वेधशाला कहा जाता है। ये वेधशालाएं सभी प्रकार के आधुनिक मशीनों और उपकरणों से लैस होती है। इन्हीं उपकरणों और मशीनों का उपयोग कर भविष्य की जलवायु के बारे में पूर्व कथन किया जाता है। वर्तमान के हवामान को पूर्व हवामान के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। जैसे अगर हमें भविष्य में होने वाली वर्षा के बारे में पूर्वानुमान लगाना होगा तो हमें अभी की वर्षा के अनुपात और पहले हुई वर्षा के अनुपात के संदर्भों का अध्ययन करना होगा। पर जब जलवायु में परिवर्तन काफी जटिल हो, एक दूसरे पर निर्भर हो और जल्द गति से हो, तो परिवर्तनों के बारे में पूर्व कथन करना कठिन हो जाता है। मौसम विज्ञान। विविध घटक जैसे बादल, वर्षा, वायु और प्राकृतिक चक्र जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, भौगोलिक गतिविधियां और जलवायु, इन सबका एक दूसरे से बहुत निकटतम संबंध है। वो विज्ञान जो इन सारे घटकों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन और विश्लेषण करता है उस विज्ञान को मौसम विज्ञान कहा जाता है। भारतीय मौसम विभाग भारतीय जलवायु के सारे घटकों का अध्ययन करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना ब्रिटिशों द्वारा सन 1875 में शिमला में की गई थी। इस विभाग का मुख्यालय पुणे में स्थित है और क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली में स्थित है। मौसम विभाग द्वारा हर रोज की जलवायु को दर्शाने वाले मानचित्रों का निर्माण किया जाता है और ये मानचित्र 24 घंटों में दो बार प्रकाशित किए जाते हैं। जलवायु के लिए आवश्यक सामग्री, रडार की सहायता से जलवायु के बारे में पूर्वानुमान, भूकंपों के बारे में जलवायु के पूर्वानुमान, वर्षा का पूर्वानुमान, इन सब बातों के बारे में सातत्यपूर्ण अनुसंधान और जानकारी इस विभाग द्वारा दी जाती है। भारत ने उच्च तकनीक वाले अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं जो धरती के बारे में और मानवों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। इस जानकारी को वेधशाला के द्वारा विश्लेषित किया जाता है, जिससे आने वाली आपदाओं के बारे में, जैसे आंधी, रेत की आंधी, भारी वर्षा, लू, सुनामी के बारे में पूर्व सूचित किया जा सकता है।